हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट के फुल फॉर्म्स बताने जा रहे हैं। पहला है समसा, SMSA। SMSA का फुल फॉर्म होता है समग्र शिक्षा अभियान। MSA का फुल फॉर्म है समग्र शिक्षा अभियान। क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। दूसरा है रमसा, RAMSA। रमसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पहले हमने पढ़ा समसा, SMSA का फुल फॉर्म है समग्र शिक्षा अभियान। दूसरा है रमसा, RAMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तीसरा है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। SSA का फुल फॉर्म क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। फोर्थ है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। क्या है? NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट फिफ्थ है MBO का फुल फॉर्म, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर से देख लेते हैं, समसा का फुल फॉर्म है समग्र शिक्षा अभियान, रमसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, SSA का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान। फिर फोर्थ है NAAC, NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट फिफ्थ है MBO का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, SWOT, SWOT का फुल फॉर्म, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। इसमें ऐसे क्या पूछते हैं, इसमें पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछते, इसमें पूछेंगे इस SWOT में W का क्या मीन है, ठीक है, O का क्या मीन है, या पूछ लेंगे T का क्या मीन है, या S का क्या मीन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है TQM का फुल फॉर्म, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने पढ़ा SWOT, SWOT का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। TQM का फुल फॉर्म हुआ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। PMIS का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जितने भी पेपर फर्स्ट के फुल फॉर्म थे वो मैंने सारे यहाँ पे करा दिए, ठीक है। आपको उसको 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है SMC, SMC का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। SMC का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। SDMC, देखिए यहाँ पे जो M है वो है मॉनिटरिंग, ठीक, क्या है? मॉनिटरिंग। और वहाँ पे जो M था वो मैनेजमेंट से था, इसलिए यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। SDMC का फुल फॉर्म है, SDMC का फुल फॉर्म है स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी। नेक्स्ट है DEEO का फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। SMC का फुल फॉर्म पढ़ा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। नेक्स्ट है SDMC का फुल फॉर्म पढ़ा स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी। नेक्स्ट है DEEO का फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। फिर नेक्स्ट है CWSN का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिर नेक्स्ट है DICE का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। EMIS का फुल फॉर्म है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने पढ़ा CWSN का फुल फॉर्म, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। DICE का फुल फॉर्म क्या पढ़ा हमने? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। EMIS का फुल फॉर्म पढ़ा एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है NUPA, इसको NUPA कहते हैं, NUEPA को कहते हैं NUPA। NUPA का फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है DPEP,
डीपीईपी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। न्यूपा का फुल फॉर्म हमने पढ़ा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और डीपीईपी का फुल फॉर्म पढ़ा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है सैमिस, सैमिस का फुल फॉर्म है SEMIS का फुल फॉर्म है सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है UDIS, UDIS का फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है NCERT, NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सैमिस का फुल फॉर्म हुआ सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। UDIS का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। और NCERT का फुल फॉर्म हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस तरह से जो पेपर फर्स्ट थे उसके फुल फॉर्म्स हमने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे इसका। BEd एंड CTET की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।